हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सिक्स मैथ एक्सरसाइज आपकी 6.3, उसी को आगे बढ़ाते हैं। फाइंड, इसको फाइंड करना है -46 -21। अगर यहाँ पे आपका ये भी नेगेटिव साइन है, ये भी नेगेटिव साइन है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 617 और 426 और साइन माइनस का ही रहेगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ये प्लस का है, ये माइनस का साइन है यहाँ पे, तो इसको हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो न्यूमेरिकली वैल्यू 80 की ग्रेटर है किससे, 65 से। तो 80 में से 65 माइनस करो, क्या आंसर आएगा, 15। और साइन किसका लेंगे, माइनस का। जो हमें न्यूमेरिकली वैल्यू जिसकी ग्रेटर है, जो बड़ी दिखाई दे रही है, उसी का साइन लेते हैं। इसके आगे किसका साइन है, माइनस का, तो माइनस का साइन लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसी टाइप से हम आगे सॉल्व करेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर समझ लो इन दोनों को। देखो, यह नेगेटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, इन दोनों को ऐड तो करेंगे, बट साइन किसका लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। हमेशा ध्यान रखना है, ऐसे करेंगे सारे क्वेश्चंस को। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो इट मींस वो ऐड तो होंगे, बट साइन माइनस के रहेगा। इस कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ पर 37 है, ये माइनस प्लस, वो माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, है ना। ब्रैकेट के अंदर एक माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो वहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ओके, तो ये 13, और इसमें अगर एक जगह कहीं पे भी प्लस होता है, एक जगह माइनस होते हैं, नहीं अपोजिट साइन होते हैं, तो माइनस का साइन ही लेते हैं। और अगर दोनों प्लेस पे प्लस प्लस होते हैं, तब भी प्लस का ही साइन आएगा। अब इन दोनों का ऐड कर दो, 37 10 0 134 and 15, तो 50 आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, ये तो आपके ये सॉल्यूशन हो गए। नेक्स्ट इसी टाइप से ये आपका, यहाँ पर -31 एज इज रहने दो, माइनस माइनस ये हो जाएगा +50। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आएगा, यहाँ 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, ये 19 आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका फिलिंदा ब्लैंक, फिलिंदा ब्लैंक है, इनको इस साइन का यूज़ करके आपको फिल करना है। तो सबसे पहले तो हम इनको सॉल्व करेंगे, तो -4 एज इट इज रहने दो, प्लस माइनस -9, और इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा, -13। ओके, ऐसे इधर -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। अब 8 में से 6 माइनस करोगे, क्या आएगा, 2 आएगा, और ये भी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जो ग्रेटर नंबर न्यूमेरिकली वैल्यू जिसकी ज़्यादा है, उसका ही साइन हम लगाएंगे। जो बड़ा दिखाई दे रहा है, ये हमें 8 बड़ा दिखाई दे रहा है ना, इसी का साइन क्या है, प्लस है, प्लस का साइन यहाँ पर लगाएंगे। अब ये -13 है, ये आपका +2 है, तो कौन सा ग्रेटर होगा, टू ग्रेटर है इसमें, तो आप साइन यहाँ पर इस टाइप से आप लगा लोगे। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा ना, तो इस टाइप से सॉल्व करते जाएंगे और साइन का यूज़ करके बताते जाएंगे। नेक्स्ट है इसका थर्ड, सेकंड पार्ट, यहाँ पे आपके पास है -23 माइनस माइनस +20, और यहाँ पे हमारे पास -27 -15, ब्रैकेट ओपन कर लिया हमने। अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करो, क्या बचेगा, हमारे पास 3 बचेगा। साइन किसका लेंगे, जिसकी न्यूमेरिकली वैल्यू ग्रेटर है, तो -3। अब यहाँ पे कितना है, इन दोनों को ऐड करो, क्योंकि माइनस माइनस का साइन है, तो ऐड होंगे, बट साइन माइनस के रहेगा। 7 5 12 2 1, यहाँ पे ले लो 2 2 4, ये हो गया 42 माइनस का। अब देखो, ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 42 है। जब भी आपके नेगेटिव टू नंबर्स का कंपेरिजन करना हो, तो समझ लेना जो आपका स्मॉल नंबर है वही आपका ग्रेटर है, जो स्मॉल है वही आपका ग्रेटर है, अगर नेगेटिव साइन है दोनों तो। क्यों, क्योंकि अगर आप नंबर लाइन लेते हो, तो यहाँ पर 0 हो गया, या -1 2 3 -1 -2 -3 .. -42 यहाँ कहीं जाके होगा, -42 है ना, -42। तो जितना आप नेगेटिव साइड में इधर चलते जाएंगे, उतना ही आपकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये -3 आपका क्या है, ग्रेटर है किससे, -42 से। ओके, तो और इससे भी ग्रेटर है 0, है ना, इससे भी ग्रेटर -2 -1 और 0, तो बहुत ही ग्रेटर हो गया, है ना, 2-3 स्टेप आगे हो गया। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसी टाइप से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट इसका, तो यहाँ पर 29 एज इट इज रहने दो, 29 यहाँ माइनस माइनस +9 कर लो, और यहाँ पर हो जाएगा 25 ±-16, यहाँ हो जाएगा 29 and 9, इट विल 38 एंड 25 में से 16 माइनस करोगे, क्या आंसर आएगा, 9 आएगा। ओके, अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, वो पॉजिटिव जब होते हैं, तो जो ग्रेटर है वही ग्रेटर है, जो स्मॉलर है वो स्मॉलर है, तो आप इस टाइप से साइन लगा लोगे यहाँ पर। ओके, तो ये आपका आंसर होते जा रहे हैं सारे सारे। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर थर्ड,
फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें आपको क्या करना, माइनस 13 है प्लस ऐसा नंबर यहाँ फिल करो कि जीरो आंसर आया आपका। तो ये माइनस का 13 तो पहले से, प्लस का 13 ले लो और 13 कैंसिल हो गया, जीरो हो जाएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट है 18 है, तो हमें नेगेटिव 10 लेकर आना है। तो क्या इसमें यहाँ पे क्या फिल करोगा, अगर 8 में से माइनस 18 कर लो तो साइन किसका आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, और 18 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे 10 आ जाएगा। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है माइनस 19, अब यहाँ पे आपको क्या लेकर आना है, माइनस 23 लेकर आना है। तो माइनस 19 में ऐड करना पड़ेगा क्या, माइनस 4, तो -4 and 19 ये कितना हो जाए, -23, ये आपका आंसर। इसी टाइप से -15 और प्लस माइनस, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो आपका ये आंसर आएगा -30। ओके, इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप सॉल्व करोगे, -6 एज इट इज रहने दो, -9 एज इट इज रहने दो, -, +22। ओके स्टूडेंट, ये हो जाएगा -6 और 9 कितना हो जाएगा, 15 +22। अब क्या करना है, 22 ग्रेटर है, -15 कम है, तो 22 में से 15 माइनस कर लो, क्या आंसर आएगा आपका, 7। ओके, इट्स योर आंसर। और ग्रेटर का साइन, ग्रेटर कौन सा नंबर है इसमें, 22, इसी का साइन ले लेंगे प्लस, प्लस लगाओ या मत लगाओ। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन, तो -17 +35 और -10 और -2 -12 हो जाएंगे। ओके, अब ये -12 और -17 इन दोनों को भी ऐड कर लो, इसको और इसको ऐड कर लो, क्या हो जाएगा, 729 112 29, माइनस का साइन, +35। अब क्या करोगे, 35 में से 29 माइनस कर लो, 35 में से व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 29 एंड यू गेट आंसर 6। ओके, वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि 35 इज ग्रेटर देन 29। ये हो गया कंप्लीट सेकंड पार्ट इसका। नेक्स्ट है 70 प्लस माइनस माइनस प्लस 50 और माइनस माइनस प्लस 4। ओके, नाउ विल ऐड ऑल द नंबर्स, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है, सब जगह प्लस है, तो ये हो जाएगा 124 आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी एक्सरसाइज 4.6.3 आपकी फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज टुमारो विल स्टार्ट एंड रिवाइज दिस एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।